नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है संदीप। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम स्टील डिजाइन के वेल्डेड कनेक्शन से रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, बोल्टेड कनेक्शन। तो पहले क्वेश्चन पे स्ट्रिक्ट रहेंगे इस सेशन के अंदर। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पढ़ रहे हैं जहाँ पे हम फ्री यूट्यूब बैच है उसमें अभी स्टील डिजाइन सब्जेक्ट चला रहे हैं। इससे पहले भी हमारे काफी सब्जेक्ट YouTube पे हो चुके हैं, ऐप के ऊपर भी हम पढ़ रहे हैं। ऐप के ऊपर सेपरेट बैच चल रहा है, सब्जेक्ट जो है वो सेपरेटली ऐप के ऊपर कंप्लीट करवाए जाएंगे और यहाँ पे YouTube बैच के अंदर भी सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे। अगर आपने अपनी ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन चैट में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ में दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा जिसपे कि आपको अपडेट्स मिलती हैं, नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, ये सब आपको मिलेंगी जैसे ही कोई सेशन होने वाला है, कोई एग्जाम रिलेटेड अपडेट है या फिर कोई पीडीएफ या कंटेंट आपकी पढ़ाई के लिए जो जरूरी है वो आपको वहां पे मिलेगा। साथ ही साथ में आप इंस्टा, फेसबुक और ईमेल पे भी अगर अटैच होना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर मंडे टू फ्राइडे 9 PM हमारे सेशन होते हैं, हमारा सेशन होता है जिसमें अभी हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दैट इज स्टील डिजाइन। अभी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं स्टील डिजाइन, तो स्टील हम पढ़ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। कल से ऐप के ऊपर हमारा जो ऐप का बैच है उसके अंदर आरसीसी हम शुरू करेंगे टुमारो मॉर्निंग 9 AM ऑनवर्ड्स। आरसीसी पढ़ेंगे हम बिल्कुल स्क्रैच से लेकर के जहां तक हमारे एग्जाम में प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, मेन पॉइंट ऑफ व्यू से जहां तक पूछ सकता है वहां तक हम कवर करेंगे जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको। सो 9 AM टुमारो ऐप के ऊपर हमारा सेशन स्टार्ट होगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं कोड न्यू स्टार्ट। ऐप के ऊपर कोड अगर आप यूज करेंगे न्यू स्टार्ट तो उससे आपको 10% इंस्टेंट ऑफ मिलेगा। साथ ही साथ में आपके एग्जाम के लिए जितना भी आपको कंटेंट चाहिए आपको सब वहां पे मिलेगा। मेरे को ये नहीं समझ में आता, आप ऐप आप जो चैट के अंदर वार्तालाप करते हैं उस वार्तालाप के अंदर कभी कभी जो है अच्छी आपकी मजाक मस्ती चलती रहती है, दोस्ती यारी वाली बातें चलती रहती है, कभी कभी एकदम युद्ध हो रहा होता है, घमासान युद्ध ऐसे जैसे कि अभी के अभी आप उसकी किडनी निकाल लेंगे। क्यों इतना परेशान होते हैं, क्यों इतना लोड लेना है, छोटा सा जीवन है ऐसे ही निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी पढ़ाई को। पहले कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन बेसिक से, फिर उसके बाद बड़ा से बड़ा सवाल कैसे आ सकता है उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने कि दो प्लेट्स हैं जिनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक दूसरे के साथ 105 डिग्री है। दो प्लेट्स हैं बहुत मजा आता है लड़ाई करने में चैट के ऊपर वो भी। देखें, टू प्लेट्स हुज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 105 डिग्री, उनको वेल्ड किया है यूजिंग 8 mm साइज फिलेट वेल्ड। तो साइज ऑफ वेल्ड आपको क्या दे रखा है, 8 mm यहां पे दे रखा है। फाइंड द थ्रोट थिकनेस, आपको पता है कि थ्रोट थिकनेस इज इक्वल टू के इंटू एस, जहां पे के की वैल्यू इस बात पे निर्भर करेगी कि दो फेस जिनके बीच में वेल्ड किया जा रहा है उनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है। तो के की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 101 से 106 डिग्री के लिए, 101 से 106 डिग्री के बीच में के की वैल्यू 0.6 यूज की जाएगी। तो के की वैल्यू के इज इक्वल टू 0.6 फॉर थीटा इज इक्वल टू 101 डिग्री टू 106 डिग्री। तो थ्रोट थिकनेस इज इक्वल टू के इंटू एस, तो हमारा आंसर हो गया 4.8 mm। चलें आगे, फिर हमने इससे रिलेटेड इसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना सीखा था।
कैसे लोड कैरिंग कैपेसिटी आप कैलकुलेट करेंगे। एक छोटा सा प्यारा सा सवाल देखते हैं पहले। टू प्लेट्स हैविंग थिकनेस 16 mm, 8 mm, आर वेल्डेड यूजिंग फिलेट वेल्ड यूजिंग फिलेट वेल्ड ऑफ साइज फिलेट वेल्ड फाइंड पार्ट ए फाइंड एप्रोप्रिएट साइज ऑफ वेल्ड पार्ट बी थ्रोट थिकनेस इफ दे आर वेल्डेड as shown below find strength of weld given वेल्ड मटेरियल का मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस है 110 MPa। और जो डायग्राम आपको दे रखा है वो क्या है, एक प्लेट ऐसे रखी हुई है, इस प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट को रखा गया है यूं, और वेल्ड यहां किया गया, यहां किया गया, और ये ओवरलैप की लेंथ है 200 mm। बताएं देखें, सबसे पहले बात करते हैं फाइंड एप्रोप्रिएट साइज ऑफ द वेल्ड की। सबसे पहले पार्ट ए कह रहा है हमें appropriate size of weld पता करने को। appropriate size of weld जब पता करेंगे तो पहला इसमें हम कहेंगे कि कम से कम कितना provide करें, minimum size of weld, कम से कम कितना adopt करें, कम से कम कितना और ज्यादा से ज्यादा कितना, ये criteria हमें देखना है। कम से कम कितना adopt करें इसके लिए criteria देखा जाएगा आपका thickness of थिकर प्लेट के अकॉर्डिंग, थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट के अकॉर्डिंग। हमारे पास दो प्लेट हैं, एक है हमारे पास 8 mm की और दूसरी प्लेट कितनी है 16 mm की,
तो थिकर प्लेट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, 16 mm वाली प्लेट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो 16 वाली के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये 11 से 20 के बीच में लाइन कर रही है। कम से कम जो साइज ऑफ वेल्ड अडॉप्ट किया जाएगा वो 5 mm अडॉप्ट किया जाएगा। तो आप लिखेंगे मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड एज पर थिकर प्लेट। थिकर प्लेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड जो अडॉप्ट किया जाना चाहिए वो 5 mm अडॉप्ट किया जाना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड की। मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड की बात करें तो ये आप बताएंगे एज पर थिनर प्लेट। मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड एज पर थिनर प्लेट, थिन वाली पतले वाली प्लेट के हिसाब से। तो थिनर प्लेट के हिसाब से देखें तो जो प्लेट का थिकनेस होता है -1.5 mm करते हैं हम, तो 6.5 mm आ गया। आप यहां पे देखेंगे हमने कहा था कि मिनिमम कम से कम कितना अडॉप्ट करें, तो वो 11 से 20 के बीच में आया था। थिकर प्लेट हमारी थी 16 mm की, तो इसलिए हमने बोला था 5 mm। मैक्सिमम साइज की बात करें तो मैक्सिमम साइज जो हम करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट के अकॉर्डिंग करते हैं। थिनर प्लेट हमारी कौन सी है, 8 mm वाली। 8 mm में से 1.5 mm माइनस कर दीजिए आप, तो 6.5 mm आ गया। तो अब आपको ये बताया जा रहा है कि साइज ऑफ वेल्ड कहां से कहां तक लाई करें, कम से कम 5 mm हो, ज्यादा से ज्यादा 6.5 mm हो। तो आप क्या कहेंगे, क्या अडॉप्ट करें, देयरफॉर अडॉप्ट, देयरफॉर देयरफॉर यूज या अडॉप्ट साइज ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू, इनके बीच में अडॉप्ट कर लेते हैं 6 mm, इनके बीच में कोई वैल्यू हमने सेलेक्ट कर ली 6 mm, इनके बीच में कोई वैल्यू सेलेक्ट कर ली हमने 6 mm। जब पार्ट ए हमारा हो गया 6 mm थ्रोट थिकनेस, पार्ट बी पे चलेंगे। पार्ट बी, थ्रोट थिकनेस इज इक्वल टू, पार्ट बी थ्रोट थिकनेस K इंटू एस 0.7 इंटू 6 4.2 mm। आ गया हमारा आंसर। पार्ट थ्री पे चलें। पार्ट थ्री के अंदर आपको यहां पे लोड्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि मैक्सिमम कितना लोड वो कैरी कर सकता है, मैक्सिमम कितना लोड वो कैरी करेगा। मैक्सिमम कितना लोड वो कैरी करेगा या स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड की बात करेंगे, तो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड के केस में हमें कौन सा एरिया दिखना चाहिए उस वेल्ड के अंदर, अगर हम ऑब्जर्व करेंगे एक वेल्ड इस तरीके से जा रहा है, दूसरा वेल्ड ऐसे जा रहा है, हमें इन वेल्ड्स के बीच में वो वाला एरिया ऑब्जर्व करना है। ये थ्रोट थिकनेस इनटू लेंथ,
ये वाला एरिया ऑब्जर्व करना है हमें। इसी तरीके से यहां पे भी, ये हुआ हमारे पास। तो अब इस तरफ लोड पी लग रहा है, हम कह रहे हैं कि एरिया कौन सा है जो इस शियर को बचाएगा, तो थ्रोट थिकनेस इनटू इफेक्टिव लेंथ। हम ये मान लेंगे गिवन जो लेंथ है वो इफेक्टिव लेंथ ही है, इतना एरिया प्रोटेक्ट करने वाला है और ये मटेरियल की क्षमता है कि वो इतना स्ट्रेस ले सकता है। इट मींस दैट पी इज इक्वल टू थ्रोट थिकनेस इनटू इफेक्टिव लेंथ इनटू सिग्मा एस। अब यहां पे इफेक्टिव लेंथ हो कितनी जाएगी, पी की वैल्यू कैलकुलेट करने जब जाएंगे, थ्रोट थिकनेस की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके प्रीवियस पार्ट में, 4.2 mm आई थी। इफेक्टिव लेंथ की बात करें अगर, तो ट्वाइस ऑफ 200 mm, दोनों तरफ है ना 200 200, मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एस। यहां से कैलकुलेट करके बताएं, सार्थक जी आप बता रहे हैं आपके 62.96% बने हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी फर्स्ट क्लास 63% वाले को कंसीडर करता है। दोस्त इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि 63% पे फर्स्ट कंसीडर करता है या 60 पे, पुराने ज़माने तक तो 60 तक कंसीडर किया जाता था। आपकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आई डोंट नो कि वॉट इज़ द क्राइटेरिया या कैसे आप ग्रेड्स को कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जहाँ तक बात है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अगर आपके 60% से ऊपर नंबर हैं तो ठीक बात है, 60% एंड अबव है तो ठीक है, अदरवाइज मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी होते हैं उनके अंदर ये परसेंटेज रिक्वायरमेंट, बहुत कम एग्जाम ऐसे आते हैं स्पेशली स्टेट के आते हैं जिनके अंदर ये मेंशन कर देते हैं कि 60% आपके होने चाहिए, और उन एग्जाम के मतलब 30 से 40% एग्जाम ही होते हैं जिनमें ये लिखा होता है कि कम से कम 60% होने चाहिए। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम में लिखा क्या होता है कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर डिप्लोमा प्लस 2 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। K इज इक्वल टू 0.7 कहां से लिए, K की वैल्यू 0.7 लिए जब दो फेस 90 डिग्री पे मिलते हैं, या फिर हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी कोई कंडीशन कितने एंगल पे फ्यूजन फेसेस हैं, तो हम मानते हैं कि 90 पे ही हैं वो, तब हम मान लेते हैं कि वो 90 पे ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। सिक्सटी प्लस तो है ही, तो मजे करो ना, स्कूल के बच्चों के लिए होता है ये सब, अब की बार बोर्ड की कक्षा है अच्छे से पढ़ाई करो, 99.99% लाने हैं, वरना शर्मा जी के लड़के को देखो। IS 800 जो है 2007 वाला ही है, 1984 नहीं है दोस्त, 2007। यार देखो मेजॉरिटी पता है किस चीज को बोलते हैं, मेजॉरिटी इसी चीज को बोलते हैं कि कोई और आपके सामने आके अगर बोले ना देखो तुम्हारे में नंबर इतने मेरे इतने, तो आप बोलो वाह फिर क्या करें बताओ क्या हो गया उससे, है ना। अब किसी के 60 आए, किसी के 80 आए, किसी के 90 आए, किसी के 99.9 आए, फिर क्या करें, पूजा करें आपकी, कुछ स्पेशल भेंट चढ़ाएं आपके, बताएं। पी की वैल्यू आप बता रहे हैं 185 किलो न्यूटन, लेंथ में टू टाइम्स साइज ऑफ वेल्ड भी तो माइनस करते हैं,
जी बिल्कुल करते हैं। अगर इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो 200 इस तरफ जो है उसमें से 2s माइनस करेंगे, यहाँ भी 2s माइनस करेंगे। हमने ये मान लिया कि ये लेंथ जो दे रखी है ये इफेक्टिव लेंथ दे रखी है। आप अगर डिटेल में वो करना चाहते हैं तो इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जो बचपन से हमें क्राइटेरिया सिखाया जाता है ना, पढ़ो पढ़ो मेहनत करो और अच्छे नंबर लेके आओ, पिछली बार इतने आए थे अब के बार और ज़्यादा लेके आओ, वो सारी चीज़ें जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना तब समझ में आती है। वो सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं क्योंकि जब हम छोटी एज के अंदर हैं, समझ इतनी है नहीं दुनियादारी की, हमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है बस बेसिकली हमें, तो वो डिसिप्लिन सिखाने के लिए कि अभी से इसे आदत ना पड़ जाए कि बस खेल खेल कूद में ही लगे रहें, काम को लेके सीरियस कैसे होगा ये, तो वो डिसिप्लिन सिखाने के चक्कर में ही ये करवाया जाता है। एज सच अगर आप देखेंगे, आज आपने अगर 10th के अंदर डिस्ट्रिक्ट भी टॉप किया होगा तो उसका ठीक है, उस टाइम पे आपको एक अप्रिसिएशन मिला, एक कॉन्फिडेंस बढ़ा, लेकिन उसके अलावा उसका क्या रोल है आपकी लाइफ में? अभी वो जो फार्मूले याद किए थे, वो जो क्वेश्चन किए थे, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको ये सिखाया गया कि डिसिप्लिन के अंदर कैसे काम करना है, आपको कैसे कंसिस्टेंटली लगे रहना है, कैसे चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। दिक्कत यही आ जाती है कई बार, जो 85 प्लस वाले जो दोस्त होते हैं ना, 85% से ऊपर या 90 से ऊपर जिनके क्लासेस के अंदर स्कूल टाइम के अंदर मार्क्स आए हुए होते हैं, तो वो पहले ऑलरेडी इतनी मेहनत कर चुके होते हैं, कॉलेज में आके इतनी मेहनत कर चुके होते हैं कि वो कई बार सैचुरेट हो जाते हैं। सैचुरेट होने के बाद फिर वही 30-40-50 हज़ार 1-2 लाख तक की जॉब के अंदर जाके सेटल हो जाते हैं। फिर वो ऐसे सोचते हैं बहुत पढ़ लिया, अब हमें चिल करना है, अब हमें मज़े करने हैं, पूरी उम्र हमारी पढ़ाई में निकल गई है। तो आपको धीरे धीरे टाइम के साथ ये सीखना होगा कि चाहे आप किसी भी स्टेज में हैं, कहीं भी किसी भी स्टेज में हैं, तो मेहनत तो करनी ही होगी। अभी आपको लग रहा होगा कि बस एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्लियर कर लूँ और ज़िंदगी सेट है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करके एक जॉब पकड़ ली और फिर उसमें ज़िंदगी सेट है करके एकदम फैल गया, तो यकीन मानिए 2-4 सालों में दिक्कत आ जाएगी। 2-4 सालों में आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि यार दिस इज़ नॉट सफिशिएंट, इससे इतने से तो परिवार भी नहीं चल रहा, इससे तो मैं किसी अच्छे सिटी में भी नहीं रह पा रहा। तो अपना माइंडसेट जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड रखें कि जिस भी स्टेज में हम पहुंचेंगे वहां पर स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट होगा, हमें और बेहतर की तरफ जाना होगा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, ना कि ऐसे कि अपने आप को गिल्ट फील करवा रहे हैं कि अभी तक जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं किया। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा सिंपल सवाल। सिंपल सवाल इस तरीके से आएंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, थर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऐसे पूछे भी गए हैं। मेंस के अंदर जो सवाल आएंगे उनमें शब्दों में थोड़ा सा खेल होगा, वर्ड्स पे आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। एन ISLC इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल सेक्शन आपको दे रखा है 300, हुज ग्रॉस एरिया इज 4211 mm². आपको एक चैनल सेक्शन दिया, आपको एक चैनल सेक्शन दिया गया है, इस चैनल सेक्शन की ओवरऑल डेप्थ 300 mm है। इसका एरिया, ये वाला एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया 4211 mm² है। द थिकनेस ऑफ फ्लेंज इज 11.66 mm, ये थिकनेस 11.66 mm गिवन है आपको। थिकनेस ऑफ द वेब इज 6.7 mm, ये वाली थिकनेस 6.7 mm इज यूज टू ट्रांसमिट अ टेंसाइल फोर्स ऑफ 600 kN, 600 kN की लोड इससे ट्रांसफर करनी है। इट इज कनेक्टेड टू 10 mm थिक गजेट प्लेट, इट इज कनेक्टेड टू अ 10 mm थिक गजेट प्लेट। गजेट प्लेट क्या होती है? गजेट प्लेट एक ऐसी प्लेट होती है जिसके ऊपर अलग अलग कंपोनेंट आ करके जुड़ते हैं, जिस पे अलग अलग मेंबर्स आ करके जुड़ते हैं या जहां से लोड ट्रांसफर होता है, तो ये हमारी गजेट प्लेट आ गई, ये हमारी गजेट प्लेट आ गई।
इस गजेट प्लेट की थिकनेस गिवन है आपको 10 mm, डिजाइन अ फिलेट वेल्ड द ओवरलैप्ड लेंथ इज लिमिटेड टू 350 mm एंड द वेल्डिंग कैन बी डन ऑन 3 साइड्स ऑफ द चैनल, यूज स्लॉट वेल्डिंग इफ रिक्वायर्ड। अब आप ये देखें इसके अंदर अगर आपको वेल्ड करना होगा, अब आप ये साइड से देख रहे हैं, आप इस अरेंजमेंट को साइड से देख रहे हैं, अगर आप इसे इस तरफ से देखेंगे ये गजट प्लेट कुछ ऐसी नजर आएगी आपको, और ये चैनल सेक्शन कुछ यूं दिखेगा, ऐसे इसे इस तरफ से ऐसे देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा चैनल सेक्शन। चैनल के अंदर ये ऊपर का फ्लेंज, ये नीचे का फ्लेंज, बीच में वेब दिख रहा है आपको। अब वेल्ड करवाना है तो 3 साइड्स पे वेल्ड करवाना है। 3 साइड्स पे वेल्ड कैसे करवाना है, इस साइड का ये जो वेल्ड है इसे मैंने बोल दिया कि ये वेल्ड नंबर 1 है। यहां पे जो वेल्ड होगा इसे बोल दिया कि ये वेल्ड नंबर 2 है। फिर यहां जो वेल्ड होगा इसे बोला कि ये वेल्ड नंबर 3 है, इसे बोला हमने कि ये वेल्ड नंबर 3 है। P600 किलो न्यूटन होगा, मुझे भी पता है, बस मैं चेक कर रहा था कौन जाग रहा है कौन सो रहा है। ठीक है, एक टीचर के भी फर्ज होते हैं, मास्टर को चेक करना पड़ जाता है कभी कभी। चलें आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको यही वेल्ड, ये वेल्ड नंबर 1 यहां पे देखने को मिलेगा, तो ये वेल्ड नंबर 1 आपको यहां दिखेगा, ये वेल्ड नंबर 1 है। यहां पे अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो वेल्ड नंबर 3 प्रोवाइड करेंगे। अब वेल्ड 3 एग्जैक्टली होगा कैसे वो थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन फिलहाल लिख लेते हैं। यहां पे अगर है तो ये वेल्ड नंबर 2 है, थोड़ा सा गति बढ़ाते हैं। अब आपको ये पता लग चुका है कि वेल्ड नंबर 1 और वेल्ड नंबर 2 प्लेट्स को देखें आप, अगर वेल्ड नंबर 1 और वेल्ड नंबर 2 देखेंगे तो कौन कौन सी प्लेट्स को ये ज्वाइन करवा रहा है। 11.66 mm इस साइड वाली प्लेट की थिकनेस थी, 10 mm इस प्लेट की थिकनेस थी। तो क्या वेल्ड नंबर 1 और वेल्ड नंबर 2 एक जैसे नहीं है? 11.66, 11.66, 10 mm, 10 mm तो एक जैसे हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि वेल्ड नंबर, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे साइज ऑफ वेल्ड, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे साइज ऑफ वेल्ड, और जब साइज ऑफ वेल्ड कैलकुलेट करने जाएंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि वेल्ड नंबर 1 and 2 आर आइडेंटिकल, 1 और 2 आइडेंटिकल हैं। 1 और 2 के लिए अगर हमें ये लिखना होगा कि मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड अब आप ये बताएं थिकर प्लेट कौन सी है इनमें से, एज पर थिकर प्लेट मिनिमम कम से कम कितना अडॉप्ट किया जाए। तो वेल्ड 1 कहां कहां हो रहा है, वेल्ड 1 हो रहा है 10 mm और 11.66, तो इनमें थिकर कौन सी है, 11.66 वाली है। अब हम टेबल पे जाएं अगर और देखें 11.66 के करस्पॉन्डिंग 11 से 20 तक कम से कम आपको 5 mm अडॉप्ट करना है। 11 से 20 अगर थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट हो तो कम से कम वेल्ड का साइज आप अडॉप्ट करेंगे 5 mm। तो आप कहेंगे कि मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड अडॉप्टेड शुड बी 5 mm, कम से कम 5 अडॉप्ट करना है। अब बात करते हैं मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड
जो कि थिनर प्लेट के हिसाब से होगा, जो कि थिनर प्लेट के हिसाब से होगा। थिनर प्लेट की अगर हम बात करें तो थिनर प्लेट इन दोनों में से इसको और इसको जोड़ रहे हैं वेल्ड नंबर वन से, तो इन दोनों में थिनर है 10 mm, 10 mm में से माइनस कर दीजिए 1.5, तो 8.5 हो गया। अभी साइज ऑफ वेल्ड नहीं डिसाइड करते हैं, अभी साइज ऑफ वेल्ड फाइनल नहीं करते हैं, अभी हमने वेल्ड नंबर वन और टू के लिए लिखा, थ्री के लिए भी पहले पता कर लेते हैं और फिर फाइनल स्टेटमेंट देंगे कि साइज ऑफ वेल्ड कितना अडॉप्ट किया जाना चाहिए। अब यहां पे लिखते हैं कि फॉर वेल्ड नंबर थ्री मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू, वेल्ड नंबर थ्री किस किस को ज्वाइन कर रहा है, वेल्ड नंबर थ्री 6.7 mm वाली प्लेट को ज्वाइन कर रहा है और साथ में 10 mm, तो इन दोनों में से थिकर कौन सा है, 10 mm वाला है, इन दोनों में से थिकर कौन सा है, 10 mm वाला है। तो अगर 10 mm थिकर प्लेट है तो थिकर प्लेट के केस में जब 0 टू 10 थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट रहती है तो आप 3 mm कम से कम साइज ऑफ वेल्ड अडॉप्ट करते हैं, तो कोड कहता है कि कम से कम 3 mm तो अडॉप्ट करना ही करना, तो वही यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि मिनिमम कम से कम 3 mm तो अडॉप्ट कर लीजिए। मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड ज्यादा से ज्यादा कितना, तो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट के हिसाब से 6.7 में और 10 mm में थिनर कौन सी है, 6.7 है, माइनस 1.5 कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 5.2 mm। अब ध्यान दीजिएगा वर्ड्स पे, कौन से वर्ड्स पे ध्यान देना है, हमें डिसाइड करना है कि वेल्ड का साइज क्या अडॉप्ट करें। वेल्ड नंबर वन और टू कहते हैं कि कम से कम इस्तेमाल करना 5 mm, ज्यादा से ज्यादा 8.5। फिर वेल्ड नंबर थ्री कहता है कि कम से कम 3 यूज करना, ज्यादा से ज्यादा 5.2 यूज करना। तो हम एक यूनिफॉर्म साइज अडॉप्ट कर ले इन सब क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने वाला, तो हम लिख सकते हैं Therefore adopt uniform size of weld as 5 mm for weld 1, 2, 3। तीनों के लिए ही 5 mm अडॉप्ट कर लेते हैं, तीनों के लिए ही 5 mm अडॉप्ट कर लेते हैं, तो तीनों की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यहाँ पे, ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो चलो ये बात तो हो गई कि साइज ऑफ वेल्ड डिसाइड हो गया। जब साइज ऑफ वेल्ड डिसाइड हो गया तो थ्रोट थिकनेस कैलकुलेट करने में तो दिक्कत ही नहीं आएगी। थ्रोट थिकनेस K इंटू एस 0.7 इंटू एस 3.5 mm, थ्रोट थिकनेस भी डिसाइड हो गई। अब आप ये बताएं कि लोड कितना रेजिस्ट करवाना है। To resist a load of कितना 600 kN, let us find length of weld required 600 किलो न्यूटन का लोड रेजिस्ट करवाने के लिए ये पता कर लेते हैं कि कितना लेंथ ऑफ वेल्ड चाहिए होगा, तो पहले वो पता करेंगे। लोड की अगर बात करें तो वो किसके बराबर, थ्रोट थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव लेंथ, इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए अगर सिग्मा एस से
तो आपके पास आ जाएगा ये लोड की वैल्यू। अब आप ये कह रहे हैं कि यहां पे तो वैल्यू है 600 किलो न्यूटन इक्वल्स टू थ्रोट थिकनेस की वैल्यू 3.5 इंटू एल इफेक्टिव कितना चाहिए होगा मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एस 110 एमपीए या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कंसीडर करेंगे। सो थ्रोट थिकनेस इफेक्टिव लेंथ रिक्वायर्ड इनटू सिग्मा एस। यहां से आप ये बताएं कि इफेक्टिव लेंथ जो चाहिए होगी वेल्ड के लिए, कितनी लेंथ में वेल्ड करना ही पड़ेगा 600 किलो न्यूटन के लोड को रेजिस्ट करने के लिए। वन डबल फाइव एट पॉइंट फोर एम एम इतने पर तो वेल्ड करना पड़ेगा, इतना वेल्ड करना पड़ेगा जिससे कि आप 600 किलो न्यूटन का लोड रेजिस्ट करवा पाए। इतना तो वेल्ड करना पड़ेगा जिससे 600 किलो न्यूटन का लोड रेजिस्ट करवाया जा सके। अब बात आ जाती है कि लेंथ अवेलेबल कितनी है वेल्ड की, ये तो चेक कर ले हम पहले। अब बात आती है कि लेंथ अवेलेबल कितनी है वेल्ड की, ये तो चेक कर ले। सो लेंथ अवेलेबल फॉर वेल्ड लेंथ अवेलेबल फॉर वेल्ड चेक करें तो आपको ये दिया गया था कि ओवरलैप करवाने की मैक्सिमम लिमिट है 350 mm। आपको ये दिया गया था कि इस गजेट प्लेट के ऊपर ये जब चैनल सेक्शन ऐसे ओवरलैप करवाएंगे तो इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम ये जो लिमिट है वो कितनी है, ये मैक्सिमम लिमिट है 350 mm। ये 350 mm मैक्सिमम लिमिट है। अगर आप चैनल की डेप्थ को पहचाने यहां से तो ये चैनल की डेप्थ कितनी है 300 mm, ये 300 mm, ये 350 mm। ओवरऑल लेंथ कितनी हो सकती है 300 350, और इस तरफ से भी 350। तो यहां वेल्ड होगा, यहां वेल्ड होगा, यहां वेल्ड होगा, अगर ऐसे करें तो अवेलेबल लेंथ अवेलेबल फॉर वेल्ड अगर हम देखें तो 350 तो आया 1000 mm। सिंस लेंथ अवेलेबल इफेक्टिव वाली जो चाहिए हमें वो तो ज्यादा है बहुत, जितनी लेंथ अवेलेबल है हमारे पास उससे, लेंथ रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन लेंथ व्हाट इज अवेलेबल। लेंथ रिक्वायर्ड तो है हमारे पास 1558.4 और प्रोवाइडेड है सिर्फ और सिर्फ 1000 mm ही। तो इतने से तो बात नहीं बनेगी, इससे तो बात नहीं बनेगी। देयरफोर वी विल यूज स्लॉट वेल्डिंग, वी विल यूज स्लॉट वेल्डिंग। स्लॉट वेल्डिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब स्लॉट वेल्डिंग के अंदर स्लॉट्स बनाएंगे, ये गजेट प्लेट थी हमारी, ये एंगल सेक्शन इसके ऊपर,
इस तरीके से हमने स्लॉट्स बना लिए। अब ये जो स्लॉट बनाए हैं कितना एडिशनल हमें लेंथ चाहिए होगा इस स्लॉट के अंदर, ये यहां से पता लगेगा हमें। आप ये देखें कि यहां पे वेल्ड जो कर दिया हम, ये वेल्ड कितना कर दिया हमने, यहां तो वेल्ड कर ही देंगे तो 350 mm तो वेल्ड ये हो गया, फिर यहां वेल्ड कर देंगे तो 350 mm ये वेल्ड हो गया, 700 तो बात बन गई, 700 तो हो गया। फिर ये वाला वेल्ड, ये वाला और ये वाला, ये तीनों मिल करके कितने हो गए, ये तीनों मिल करके जितना, और सॉरी ये वाले भी कंसीडर करेंगे ना रेड वाले, यहां पे ये जो शेडेड हैं इनको सबको मिला के, अगर आप इनको ये ले लेते हैं कि आपने लेट से ये W बोल दिया, इसको W नहीं A B C D में ले लेते हैं, इसे B से डिनोट कर देते हैं, ये भी B हो गया, ये भी B हो गया, ये भी B हो गया, ये भी B हो गया। तो आप अगर ये बोलेंगे कि 5B, तो 5B किसके बराबर होना चाहिए, 300 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब B की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 60 mm आ जाएगी, B की वैल्यू 60 mm आ जाएगी। हमें कितना मिल गया, ये 5B 300 ये हो गया, तो 1000 तो हो गया। अब एडिशनल जो एक्स्ट्रा वेल्ड की लेंथ हमें मिली है, वो एक्स्ट्रा लेंथ की वेल्ड कहां से मिली है, ये वाली मिली है, तो इसे A से डिनोट कर दिया, ये A से डिनोट कर दिया, ये भी A से डिनोट कर दिया, ये भी A से डिनोट कर दिया। तो 1, 2, 3 और 4, 4 A हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो 4A जो है वो कंपनसेट करेंगे, किसको कंपनसेट करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा वाली लेंथ बच गई 558 वाली, वो किसको कंपनसेट करेंगे, 1558.4 माइनस 1000। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 558.4 डिवाइडेड बाय 4, A की वैल्यू बताएं आप, 139.6 mm, 140 mm लिख लेते हैं, रफली 140 mm। तो अब इससे बात बन जाएगी। अब आपको बस यहां पर ये जो स्लॉट की विड्थ है वो चेक करनी बाकी है। स्लॉट की विड्थ हमने बोली थी 3 times थिकनेस ऑफ द प्लेट, या फिर 25 mm कम से कम इतनी विड्थ होनी चाहिए। तो 3 times थिकनेस ऑफ द प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट इसकी थिकनेस कितनी है, जहां पे अब वेब वाले पोर्शन के अंदर हो रहा है ना, ये जो वेब वाला पोर्शन है इसी में तो स्लॉट बन रहे हैं, जब वेब वाले पोर्शन में स्लॉट बन रहे हैं तो 6.7 mm इसी के अंदर स्लॉट बन रहे हैं। तो आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, चेक फॉर विड्थ ऑफ स्लॉट, इट शुड बी एटलीस्ट मैक्सिमम ऑफ 3 times थिकनेस 25 mm, मैक्सिमम ऑफ 3 times 6.7 या फिर 25 mm। ये वाली क्वांटिटी ऑब्वियसली 20 के आसपास रह जाएगी, 20.1, ये 25 mm, तो 25 mm जो कि सेफ ही है, देयरफोर ओके, विड्थ जो हमने प्रोवाइड की है, विड्थ प्रोवाइड कितनी कर रखी है यहां पे, ये विड्थ ऑफ द स्लॉट, बी की वैल्यू कितनी प्रोवाइड कर रखी है, 60 mm। विड्थ प्रोवाइडेड या फिर और बी की वैल्यू जो है 60 mm। सर मेंस में इतना लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और मेंस में क्या बोलेंगे दोस्तों,
ऐसा ही कुछ तो पूछेंगे ना, और मेंस में क्या पूछेंगे, पूरा डिजाइन करवाएंगे आपसे। डन हो गया क्वेश्चन। कूपन इनवैलिड बता रहा है, मैं चेक कर लूंगा दोस्त अगर ऐसा हो रहा है तो। अभी मैं टीम को मैसेज ड्रॉप कर दूंगा थोड़ी देर में। अब आप चेक कर लीजिएगा। आपको चैट नहीं दिख रही है, चैट आपकी तो मुझे दिख रही है। चलो यहां तक बात ठीक है, क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। देखने में भले ही बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा था लेकिन एक्चुअल में था नहीं। अगर समझ के करेंगे कि कौन सी प्लेट को किससे कनेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, फिर एक साइज ऑफ वेल्ड अडॉप्ट करना है, थिकनेस अडॉप्ट करनी है, फिर थ्रोट थिकनेस, उसके अकॉर्डिंग कितनी लेंथ चाहिए वो चेक कर लिया। लेंथ अवेलेबल इतनी थी नहीं, लेंथ अवेलेबल नहीं थी तो स्लॉट्स बना लिए, स्लॉट्स बना लिए तो इनकी डाइमेंशंस बता दिए। दैट इज इट। अब होने लग गया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट की थिकनेस है 12 एमएम, दूसरे प्लेट की थिकनेस है 22 एमएम। और इनकी लेंथ जो है वो है 1500 mm इनकी लेंथ है। बताएं सबसे पहले मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड डिसाइड कर लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग साइज ऑफ वेल्ड, फिर थ्रोट थिकनेस, फिर लोड जो आ रहा है उस लोड के अकॉर्डिंग आप यहां पे बता देंगे कि कितना लेंथ ऑफ वेल्ड चाहिए होगा, फिर अगर स्लॉट वेल्डिंग चाहिए या फिर आपको यहां पर इंटरमीडिएट वेल्डिंग, वो डिसाइड करेंगे।
देखें सबसे पहले अगर आप बात करेंगे मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड की, सबसे पहले मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड एज पर थिकर प्लेट, थिकर प्लेट के अकॉर्डिंग बताएंगे। थिकर प्लेट आपकी 22 mm की है। अब थिकर प्लेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखने चाहेंगे तो 22 mm वाला आपको देखने पड़ेगा, ये वाला क्राइटेरिया। 21 से 32 में 6 mm यूज करते हैं तो कम से कम 6 mm तो यूज करना पड़ेगा। कम से कम आपको कितना यूज करना पड़ेगा? 6 mm यूज करना पड़ेगा। तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड 6 mm। अगर आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड के लिए आप यूज करते हैं थिनर प्लेट, थिनर प्लेट 12 mm, उसमें से 1.5 माइनस कर दीजिए तो आपके पास आ गया 10.5 mm। इन दोनों के बीच में कुछ अडॉप्ट कर लेते हैं। लेट से अडॉप्ट साइज ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू 8 mm। 8 mm हमने साइज ऑफ वेल्ड अडॉप्ट कर लिया। देयरफॉर थ्रोट थिकनेस इज इक्वल टू के इंटू एस 0.7 × 8, 5.6 mm आ गया। तो यहां तक हमारा साइज ऑफ वेल्ड और थ्रोट थिकनेस कैलकुलेट हो गया। अब बात करेंगे हम लोड के अकॉर्डिंग लेंथ रिक्वायर्ड की। सो लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड के लिए पी इज इक्वल टू थ्रोट थिकनेस इंटू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय, और यहां पे लेंथ रिक्वायर्ड ही लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एस। लोड की वैल्यू 100 kN, थ्रोट थिकनेस 5.6, लेंथ रिक्वायर्ड 110। क्वेश्चन में लिख लीजिएगा सिग्मा एस गिवन है 110। तो यहां से लेंथ रिक्वायर्ड कितनी है, लेंथ रिक्वायर्ड कितनी आ जाएगी? वन सेवेंटी एट पॉइंट फाइव सेवन यही आ रही है क्या आपकी लेंथ रिक्वायर्ड? दोबारा चेक कर लेते हैं। वन सिक्सटी टू पॉइंट थ्री थ्री एम एम। अब आपको ये पता है कि सिंस लेंथ जो चाहिए, लेंथ रिक्वायर्ड कितनी चाहिए हमें, 162.33 mm की लेंथ पे ही वेल्ड करना है हमें, और ये बहुत कम है किससे, जितनी अवेलेबल है वेल्ड करने के लिए। अवेलेबल लेंथ कितनी हमारे पास, 1500 mm, खूब लेंथ अवेलेबल है अगर आप यहाँ पे वेल्ड करना चाहें, लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम पूरी एंटायर लेंथ पे वेल्ड करेंगे तो अनइकोनॉमिकल है, अननेसेसरी वेल्ड कर रहे हैं हम, तो इसके लिए हमें यहाँ पे इंटरमीडिएट वेल्ड कर सकते हैं, कुछ दूर वेल्ड कर दिया, फिर गैप छोड़ दिया, फिर कुछ दूर वेल्ड कर दिया, एंड सो ऑन। तो इंटरमीडिएट वेल्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सो फॉर इकोनॉमी intermittent welding can be done, intermittent welding can be done।
अब आप ये बताएं कि मिनिमम लेंथ ऑफ वेल्ड, आप कह रहे हैं कि हम कुछ दूर वेल्ड कर देंगे, कुछ दूर वेल्ड किया फिर गैप छोड़ दिया, फिर कुछ दूर वेल्ड किया फिर गैप छोड़ दिया, तो कम से कम आपको पता है कि 4 times साइज ऑफ वेल्ड और 40 mm तो कम से कम होना चाहिए। साइज ऑफ वेल्ड हमारा 8 है तो 8 चार गुना कितना आ जाएगा, 32 या 40 mm, तो कम से कम 40 mm का आपको यहाँ वेल्ड करना पड़ेगा। फिर सिमिलरली यहाँ पे भी 4S या फिर 40 mm का कम से कम वेल्ड करना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो इतना आपको लेंथ कम से कम रखना पड़ेगा। पिच की बात करें तो 12T 200, पिच की अगर हम बात करेंगे तो 12T and 200, कंप्रेशन के केस में, टेंशन के केस में 16T या फिर 200 mm। 12T के अकॉर्डिंग अगर हम देखें थिकनेस थिनर वाली की तो 144 से ज्यादा गैप नहीं छोड़ना। तो दोनों डेटा यहां पे लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे अकॉर्डिंग कनेक्शन बना देंगे हम। पहले आप ये लिख देंगे कि मिनिमम लेंथ ऑफ वेल्ड, मिनिमम लेंथ ऑफ ईच वेल्ड वो होना चाहिए 4S या फिर 40 mm, या फिर आप ये कहेंगे कि मैक्सिमम ऑफ 4 into 8 mm था साइज ऑफ वेल्ड या फिर 40 mm तो 40 mm, कम से कम इतना एडॉप्ट होगा। तो हम कितना एडॉप्ट कर लेते हैं, 162.33 चाहिए अगर हमें। 40 अगर लेंगे तो 4 वेल्ड बनेंगे, आप यहां पे ऐसे कर लीजिए कि 41 ले लीजिए। देयरफॉर यूज 41 mm लेंथ्स, या फिर देयरफॉर यूज 4 वेल्ड ऑफ 41 mm लेंथ। 4 वेल्ड 41 mm लेंथ के हमने कर लिए तो हमारे पास 164 mm लेंथ ऑफ वेल्ड हो जाएगी। प्रोवाइड करनी थी 164, ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं रही। अब इनके बीच के गैप की अगर हम बात करेंगे तो गैप के लिए आप लिख लीजिए कि मैक्सिमम पिच गैप की बात करेंगे अब मैक्सिमम पिच इज इक्वल टू 12T और 200 mm। कंप्रेशन के केस में अगर लोड आ रहा है, टेंशन के केस में है तो 16T या फिर 200 mm। तो मैक्सिमम पिच हम बता रहे हैं कंप्रेशन के अकॉर्डिंग। कंप्रेशन वाली से भी कम प्रोवाइड कर देंगे तो टेंशन के लिए भी सेफ ही है। तो 12T थिकनेस ऑफ थिनर कंसीडर करते हैं तो 12 into 12 या फिर मिनिमम ऑफ 12 into 12 या फिर 200, तो आपके पास आ गया 144 mm। 4 वेल्ड प्रोवाइड करने थे, 144 से कम गैप पे प्रोवाइड करने हैं, 144 mm के कम गैप पे आपको प्रोवाइड करने हैं। टॉप व्यू से देख लेते हैं इन प्लेट्स को, एक प्लेट ये थी, दूसरी प्लेट ऐसे रखी हुई है,
आपको चार वेल्ड प्रोवाइड करने हैं, एक दो ये वाली लेंथ आपके पास 41 mm, अगर आप चाहें तो ट्वाइस द साइज ऑफ वेल्ड इफेक्टिव साइज जो है वो भी अगर आप लिखना चाहें तो वो भी कंसीडर कर सकते हैं, हम नॉर्मल लिख रहे हैं। अब इनके बीच के गैप की अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा आप यूज कर सकते हैं 144 mm, तो आप इसमें लिख लीजिए कि यूज पिच 100 यूज करना चाहें 100 यूज कर लीजिए, जो आपको सूटेबल लगे, हमने 100 ले लिया। 144 से कुछ भी कम अडॉप्ट करना है आपको तो आपने 100 ले लिया यहाँ पे, तो 100 ये हो गया, फिर 100 mm ये हो गया, 100 mm ये हो गया, 100, 200, 300 और 41 × 4 464 माइनस 1500 1036 डिवाइड बाय 2 518, ये वाला गैप इधर बच जाएगा 518 mm, इस तरफ भी 518 mm बच जाएगा क्योंकि ओवरऑल 1500 mm था। mm कैसे होगा, हमने अडॉप्ट कर लिया कि कम से कम इतना लेना था, आप थोड़ा और ज्यादा करना चाहते 45 ले लीजिए, आप चाहते थे कि इतना नहीं लेना तो एक काम करें 45 mm अडॉप्ट कर लीजिए आप यहां पे 45 mm ले लीजिए या 50 ले लेते हैं, 45 अगर ले लेंगे यहां तो 45 लिख दीजिएगा, ट्वाइस अगर आप सारे फैक्ट्री कंसीडर करें ना तो जस्ट गिव मी वन मिनट, ट्वाइस द साइज ऑफ वेल्ड इसमें अगर आप और कर देते हैं, एक ऐसे उस तरफ का एक ऐसे का, इसकी वैल्यू हमने 8 अडॉप्ट की तो 16, 56 ले लीजिए, 56 mm. ये आ गया हमारा, और यहां पे भी करेक्ट कर लीजिएगा, ट्वाइस द साइज ऑफ वेल्ड ऐड करके लिख रहे हैं हम यहां 41 हमने अडॉप्ट किया था बस ऐसे ही, ताकि चार वेल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये हमें ये दिख गया कि लेंथ रिक्वायर्ड कितनी है, 162.33 mm है, हमने प्रोवाइड कितना कर दिया, और ये लेंथ भी कौन सी है, ये लेंथ भी इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ रिक्वायर्ड इज 162.33। अब हम ये कह रहे हैं कि हमने चार वेल्ड प्रोवाइड कर दिए, हर वेल्ड है 56 mm लेंथ का, अगर हर वेल्ड 56 mm लेंथ का है तो उसमें से इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करते वक्त हम ये लिख देते हैं ना, एक्चुअल लेंथ ऑफ वेल्ड माइनस ट्वाइस द साइज ऑफ वेल्ड,
तो 56 में से आपने यहां पे माइनस कर दिया ट्वाइस ऑफ 8, तो आपके पास लगभग ये 40 आ गया, 40 mm, चार वेल्ड आपके प्रोवाइड हुए, तो 40 × 4 160 के आसपास। थोड़ा और ज्यादा करना चाहिए था, 57 करना चाहिए था। फिर से करेक्ट कर लीजिए इसे, 57 mm कर रहे हैं हम। प्रोवाइड हमने किया, अब आपने ये क्या किया, 57 mm अगर आपने प्रोवाइड किया एक्चुअल लेंथ ऑफ द वेल्ड, तो इस 57 में से ट्वाइस द साइज ऑफ वेल्ड माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा, इसमें से 16 माइनस करेंगे तो 41 mm आ गया। अब चार वेल्ड जिनकी इफेक्टिव लेंथ 41 mm है, तो 41 × 4 कर लीजिए, 41 × 4 करेंगे तो 164 इफेक्टिवली आपने प्रोवाइड कर दिया। जरूरत कितने की थी, 162 की थी, तो इफेक्टिवली इतना वेल्ड प्रोवाइड कर लिया आपने। अगर हम वो इफेक्टिव लेंथ वाला क्राइटेरिया भी देखते कि अवेलेबल लेंथ ऑफ वेल्ड ये कितने पे वेल्ड कर रखा है आपने, आपने 57 mm पे वेल्ड कर रखा है, तो इफेक्टिव लेंथ एक वेल्ड की कितनी आ गई, 57 माइनस ट्वाइस ऑफ साइज ऑफ वेल्ड, तो 57 माइनस ट्वाइस ऑफ ये साइज ऑफ वेल्ड है, एट, 41 mm, देयरफोर इफेक्टिव लेंथ टोटल प्रोवाइड जो की है चलो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले सेशन के अंदर, और कल सुबह नया सब्जेक्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा, नया सब्जेक्ट ऐप के ऊपर शुरू होगा, और वो सब्जेक्ट है आरसीसी। सुबह 9 बजे ऐप के ऊपर आरसीसी हम शुरू करेंगे 9 AM लाइव। अगर आप पढ़ना चाहते हैं ऐप के ऊपर, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऐप के ऊपर जाना है, ऐप के ऊपर जा करके आपको कोर्स दिखाई देगा, कोर्स पे जा करके आप व्यू डिटेल्स में नीचे कूपन का ऑप्शन आ जाएगा, न्यू स्टार्ट यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 10% इंस्टेंट ऑफ आएगा, ऑफ मिल जाएगा, और आप एक्सेस करते हैं इस कोर्स के अंदर जो भी कंटेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो प्री रिलेटेड, मेंस रिलेटेड, प्रैक्टिस सेशन, टेस्ट सीरीज, टेक, नॉन टेक, सब कुछ आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप अपनी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में, पिन चैट के अंदर और कमेंट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे भी आप सर्च कर सकते हैं इसे। इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितने भी हमारे अपकमिंग सेशंस हैं उन्हें आप लाइव अटेंड कर पाएं और आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। लाइव सेशन खत्म होने के बाद आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, टेक केयर, बाय बाय।